वेलकम टू प्रितपाल सर एडुकेशन चैनल। तो आज मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आज मैं एक टॉपिक पे आपकी राय चाहता हूँ, आज मैं एक एजुकेशनल रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जैसे आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी होगी, क्लास फर्स्ट टू एट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पास करने का डिसीजन ले लिया है, उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, और रिसेंटली अभी 9th एंड 11th स्टैंडर्ड का भी यही हो गया। तो सब लोग खुश हैं, सब बच्चे लोग खुश हैं, सब जगह ये गुड न्यूज़ की तरह मतलब फैलाई गई, हर यूट्यूब में देखा गया हमने कि गुड न्यूज़, बच्चे लोगों की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई, हर बच्चे लोगों ने अपने स्टेटस में व्हाट्सएप में रखना स्टार्ट कर दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। तो बात एग्ज़ाम कैंसिल हो गई वो नहीं होनी चाहिए थी, बात ये होनी चाहिए थी कि हम बच्चे तक एजुकेशन पहुँचा सकें। कोविड रिलेटेड बच्चे लोगों को पूरा ईयर उन तक एजुकेशन ऑनलाइन की तरह ऑनलाइन के हिसाब से हुई और वो उन तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई। तो हमारा फोकस बच्चे लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना होना चाहिए था, ना कि एग्ज़ाम कैंसिल करना। ठीक है, कोविड सिचुएशन है, बच्चे लोग ऑफलाइन वहाँ पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे पाए, नहीं दे सकेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसके लिए, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं होगा चलेगा, बट बच्चे लोगों तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे, एजुकेशन नहीं मिल रही बच्चे लोगों को, ये शायद आने वाले टाइम में हमें इफ़ेक्ट इसका मालूम पड़ेगा, जब बच्चे लोगों को कुछ ना कुछ आगे एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा पूरा फोकस बच्चे लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ एग्ज़ाम कैंसिल करना। अभी तो बेचारे 10th और 12th स्टैंडर्ड का भी अभी कुछ उन्हें मालूम नहीं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कुछ कुछ स्टूडेंट लोग ने बहुत मेहनत की पूरे साल भर, लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया तो उनकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। पोस्टपोन होगा, ठीक है, पोस्टपोन हो जाएगा, चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो एग्ज़ाम होना या नहीं होने के को एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है, तो मैं अपने एक दो स्टूडेंट के एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नाम तो नहीं ले सकता, बट समझो एक एक्स नाम का स्टूडेंट है जो पहले से उसका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। जब नॉन कोविड सिचुएशन थी तब भी वो अपना हर एक एग्ज़ाम को बहुत प्रॉपरली से, बहुत मेहनत से करता था, इवन स्कूल की बुक्स, असाइनमेंट, जो भी होगा स्कूल का वर्क, वो पूरी ईमानदारी से अप टू डेट टाइम टू टाइम करता था। इवन ये कोविड सिचुएशन में भी उसने अपनी हर एक असाइनमेंट जो व्हाट्सएप के थ्रू आते थे, जो उनके लेक्चर्स होते थे, उसने हर एक चीज़ कंप्लीट की। और फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो हर स्टूडेंट जो एजुकेशन जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए फाइनल एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम रहता है, तो उसने इस फाइनल एग्ज़ाम की भी बहुत ईमानदारी से, बहुत बहुत हार्डवर्क से उसने अपनी तैयारी की। अब जब एग्ज़ाम कैंसिल होने की न्यूज़ उस तक आई, तो ऐसे बच्चे लोगों ने गुड न्यूज़ करके नहीं डाला होगा, वो थोड़े से डीमोटिवेट हो गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि हमने पूरे साल मेहनत की तो उनको रिजल्ट क्या मिला, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या एग्ज़ाम उनको प्रमोट कर दिया गया। और एक दूसरा स्टूडेंट, समझो वाई नाम का स्टूडेंट है, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बाकी एक्टिविटीज़ में होगा होशियार, बट पढ़ाई में उसके नॉन कोविड सिचुएशन जब थी तब भी उसकी बुक्स प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होती थी, और अभी जो कोविड सिचुएशन है तब तो उसकी बुक बराबर कंप्लीट नहीं रहती। और ऐसे बच्चे लोग बहुत खुश हुए रहेंगे क्योंकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और जब उनको ऐसी न्यूज़, उनको एग्ज़ाम देने का इंटरेस्ट नहीं था, और जब उनको ऐसी न्यूज़ मिली कि अरे चलो एग्ज़ाम नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली प्रमोट हो गए, तो एक टाइप बच्चा डीमोटिवेट हो गया जिसने पूरे ईयर पढ़ाई की मेहनत से, और एक जगह जो कम पढ़ाई की होगी उसने, वो खुश हो गए। तो इससे आप बताइए कि एग्ज़ाम कैंसिल करने में सही था डिसीजन या गलत था। तो आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि मुझे एटलीस्ट ये मालूम पड़े कि बच्चे लोग क्या चाहते हैं, कि एग्ज़ाम कैंसिल होना सोल्यूशन था, कि एडुकेशन उन तक पहुँचनी चाहिए, ये एक मेन सोल्यूशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।